नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंच छागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत प्लान के। ये प्लान दोस्तों हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बेहद ही पसंद आएगा, क्योंकि इस प्लान को मैंने लो बजट और एक बेहतरीन डिजाइन देने की कोशिश की है। और इस प्लान को देख कर ना आपका मन बहुत खुश हो जाएगा कि काश मेरा भी ऐसा घर हो। मैं सभी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी के लिए मैं यही दुआ भगवान से करता हूं कि सभी का घर ऐसा होना चाहिए। और आप कर्म करते रहिए, घर जरूर बनेगा, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आप अच्छा सा एक डिजाइन चाहते हैं, क्योंकि आपको स्मॉल हाउस प्लान पर एक नए डिजाइन के साथ रोज वीडियो तो नहीं मिल पाता, पर दो दिन में तीन दिन में अप्रॉक्स एक वीडियो मिलता है जो कि आपको यूनिक और बेहतरीन डिजाइन होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मैं आपको एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं दोस्तों कि मैं दोस्तों पेड सर्विस भी चलाता हूं, जिसके लिए अगर आपको घर बनवाना है किसी भी प्रकार का तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर कॉन्टेक्ट करिएगा। वो हमारे एक पेड सर्विस है, इसका विशेष ध्यान रखिए। वहाँ पर आपको 50% पेमेंट पहले करना होता है, 50 बाद में करना होता है, लेकिन आप जब हमसे बात कर लें तभी पेमेंट करें, किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल न करें, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो आज का जो मॉडल है उसे हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं मॉडल की बात कर रहा था, ये पूरा मॉडल होने वाला है और ये कॉर्नर का प्लॉट है। हालांकि इनका इधर से रोड है तो इधर से भी मैंने डोर दिया है, अगर आप डोर देना चाहते हैं तो दे, नहीं तो यहाँ पर भी बाउंड्री वॉल बना ले। और इनका फ्रंट मेन एंट्री इनकी इधर से होने वाली है, तो यही पूरा अपडेट मैंने दिया है इनको। हालांकि डोर तो उनको एक ही चाहिए था, बट मैंने इधर से भी दिया है जो कि ऑप्शनल है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं, जैसे इधर साइड में ग्रिल बनी है ना, ऐसी आप ग्रिल बना सकता। तो यहाँ से रोड होने के बाद आपके मेन एंट्री होती है जो यहाँ से आपको दिखेगा। तो इस गेट से जैसे आप अंदर जाते हैं तो सबसे पहले ये आपको ओपन स्पेस दे, ये दोस्तों एक बारंदा टाइप देखने को मिलता है। और इधर क्योंकि स्पेस है तो इधर से भी एक डोर मैंने दिया है और दो विंडो है वेंटिलेशन के लिए। फ्रंट से दोस्तों प्रॉपर तरीके से ये मेन डोर है, और आगे इनका एक गेस्ट रूम है तो उस पर भी डोर और विंडो यहाँ पर दिया। और इधर दोस्तों क्लोज्ड है, आप देख सकते हैं साइड और बैक साइड क्लोज है, बाद बाकी दो साइड इनका ओपन है। तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को क्रिएट किया है, जैसी भी उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो मैं इसमें मैक्सिमम जूम करता हूँ जैसे आपको इसके रियलिस्टिक व्यू समझ में आए। तो इधर आप देख सकते हैं कितने पिलर बने हुए हैं और उसमें ग्रिल का डिजाइन कैसा है। फ्रंट में भी सिमिलर ही मैं डिजाइन देने की कोशिश की है। तो टॉप से अगर आप देखेंगे तो टॉप व्यू आपको पूरा दोस्तों ऐसा देखने को मिलेगा जैसा आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर। तो ये दोस्तों पूरा इसका ग्राउंड फ्लोर है। जैसे आप मेन रोड से एंट्री करेंगे तो ये आप देखिए बारंदे का डिजाइन है और यहाँ पर पिलर पर पूरा टिका है। और यहाँ से इसको गेस्ट रूम को आप एक्सेस कर पाएंगे इस वाले डोर से, है ना, बाहर से अगर एक्सेस करना चाहते हैं। अगर आप अंदर से भी एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मैंने एक डोर दिया है जो कि आपको अंदर साइड ओपन होगा। इसके बाद मेन डोर आपका ये है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, आप अंदर जाते हैं। ये दोस्तों आपको एक पूजा घर देखने को मिलता है जिसमें आपको एक विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक किचन देखने को मिलेगा, इसमें आपको साइड से विंडो देखने को मिलेगा और साइड से भी जगह है तो किचन के जस्ट बगल से आपको एक गेट और मिलेगा। इसके बाद आप पहुंचते हैं डाइनिंग हॉल या आंगन में, यहाँ पर आपकी स्टेयर्स हैं और उसी के नीचे लेट बाथ, दोनों कंबाइंड करते हुए और यहाँ पर जो स्पेस और बच रहा है ना उसको भी कंबाइन करते हुए। सबसे पीछे आपको दो बेडरूम देखने को मिलते हैं जिसके लिए अलग अलग डोर है और साइड से विंडो है इधर वाले में। और ये तो यहाँ पर थ्री बेडरूम दोस्तों, पीछे दो बेडरूम और एक आगे गेस्ट रूम को कंसीडर करते हुए तीन बेडरूम, लेट बाथ, किचन, स्टेयर्स और पूजा घर के साथ बारंदे का डिजाइन पूरा बनकर रेडी होता है। तो आप भी साइड से अब एक बार और देख लें, इससे प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। फ्रंट से आपको ये पूरा देखने को मिलेगा। अभी आप ये जो ब्लू कलर की लाइन टाइप की देख रहे इसे इग्नोर करें, ये दोस्तों पीओपी का डिजाइन है। तो ये तो इसका ग्राउंड फ्लोर हो गया। बाउंड्री वॉल आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 4 फीट का बाउंड्री वॉल, इसके बाद ये आपकी ग्रिल टाइप की लगी हुई है। ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप क्या लगवाना चाहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मेन डोर ये है, आप अगर इस डोर को यहाँ पर देना चाहते हैं दे, नहीं तो आप इसे रिमूव कर दें। अब बात करते हैं इसके लास्ट और फर्स्ट फ्लोर। लास्ट फ्लोर तो ये दोस्तों लास्ट फ्लोर है, यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल जो कि आगे की तरफ दो साइड निकला हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं 2.5 से 3 फीट का इधर भी और 2.5 से 3 फीट का अप्रॉक्स इधर भी। और इसमें सिंपल सी ग्रिल का डिजाइन मैंने देने की कोशिश की है। और ये दोस्तों गुमटी है जो स्टेयर्स को ढकने का काम करेगी बरसात में पानी वगैरह ना जाए। तो ये ओवरऑल पूरा मॉडल क्रिएट होकर आया है जो मैं आपको बता रहा था, आप उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिसने भी हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट है इस मॉडल से संबंधित तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट दोस्तों मैं करना चाहूँगा, मेरे जो मॉडल्स होते हैं ये दोस्तों फेसबुक पर लोग बहुत कॉपी करते हैं,
है ना। तो मैंने अब क्या है स्ट्राइक देना स्टार्ट कर दिया है, मेरी वो मजबूरी है दोस्तों, आप समझिएगा मैं कितने मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ। कोई भी कंटेंट क्रिएटर कितने मेहनत से कंटेंट बनाता है और आप लोग उसे यूज करते हैं, उसके यूज करने के बाद फिर फ्रॉड करते हैं मेरे नाम से, तो वो गलत है। आप लोग अपना कंटेंट बनाइए, खूब डालिए, कोई मुझे परेशानी नहीं है। काफ़ी लोगों को मैंने स्ट्राइक दिया तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मुझे मेरी मजबूरी थी दोस्तों। मैंने आप लोगों से काफ़ी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की और आप लोग जब भी लगातार कंटेंट हमारा यूज करते रहे, इस वजह से मुझे बिल्कुल मजबूरी में होकर के स्ट्राइक देना पड़ा। तो अगर आपको जैसी बात बुरा लगा होगा तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप अपना कंटेंट यूज करिएगा और साथ साथ आप दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आप जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन और नए नए डिजाइन मिलते रहते हैं। हमसे जुड़े जो भी प्लान्स आपको दिखें तो आप एक बार हमें कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा, तभी आप किसी को पैसा पे करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और मेरे से लोग बहुत से ऐसे लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर बोलते हैं कि सर ऐसा तो नहीं फ्रॉड हो जाएगा मेरे साथ, मैं 50% पेमेंट पहले लेता हूँ। तो उन सब्सक्राइबर्स के लिए मेरा ये संदेश है कि दोस्तों मेरे के द्वारा कभी भी किसी अनहित नहीं होगा, कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि मैं आपको बोलूँ कि 24 घंटे में आपको प्लान दे दूँ, तो हो सकता है 24 घंटे से 36 घंटे लग जाएं, 48 घंटे लग जाएं, क्योंकि व्यक्ति के पास पर्सनल काम भी होते हैं, हो सकता है मेरे पास कोई अचानक ऐसा काम आ जाए जिससे मैं आपको प्लान ना दे पाऊँ। लेकिन हाँ प्लान मिलेगा, टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, तो उससे आप घबराइएगा नहीं। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप एक विश्वास रखिएगा कि आपको यहाँ पर कभी भी निराश होकर जाना नहीं पड़ेगा। इसी उम्मीद में मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल से को जुड़ कर रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप हमें मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।